नमस्कार साथियों, आज हम लोग सभ्यता और संस्कृति पर बात करेंगे। प्रायः आपने देखा होगा कि ये जुड़वा अवधारणाएं हैं, इसका दैनिक जीवन में हम प्रयोग करते रहते हैं और प्रायः तो हम इसका प्रयोग समानार्थी के रूप में कर लेते हैं। आज देखेंगे कि क्या सभ्यता और संस्कृति ये दोनों एक इनके अर्थ एक ही हैं, क्या ये समानार्थी हैं, और अगर ये समानार्थी नहीं है तो इनमें क्या भेद है। आज इन प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करेंगे। प्रायः समाज में किसी के व्यवहार से आहत होने पर या उसके व्यवहार से कष्टित होने पर हम लोग उस पर अनसिविलाइज्ड या अनकल्चर्ड होने का आरोप लगाते हैं। यह आरोप एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर, एक समुदाय दूसरे समुदाय पर और एक समाज दूसरे समाज पर लगा सकता है। तो प्रश्न ये है कि जब हम किसी पर अनकल्चर्ड या अनसिविलाइज्ड होने का आरोप लगाते हैं तो हमारा पैमाना क्या होता है। तो क्या सभ्यता और संस्कृति इनके कोई सार्वभौमिक पैमाने हैं या प्रत्येक समाज का अपना अपना पैमाना होता है और जो उस पैमाने पे खरा नहीं उतरता हम उसको प्रायः कह देते हैं कि वो सभ्य नहीं है या संस्कृत नहीं है। आइए सबसे पहले देखते हैं कि सभ्यता और संस्कृति इनकी व्युत्पत्ति कैसे हुई है। जो सभ्यता शब्द है वास्तव में इसकी उत्पत्ति सभा शब्द से हुई है। पुराने जमाने में जब राजतंत्री व्यवस्था लागू थी उस जमाने में जो लोग राजा की सभा में उपस्थित होने और बैठने के अधिकृत थे, जिनमें उनकी योग्यता पाई जाती थी, उनको सभ्य शब्द से संबोधित किया गया और इसके लिए उनका जो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, राजनीतिक वो स्तर हुआ करता था समाज में, अर्थात हम उनको अभिजन कह सकते हैं। तो ऐसे जो समाज में अभिजन होते थे उनके जो वस्त्र का, निवास का, भोजन का, व्यवहार का, भाषा का प्रतिमान हुआ करता था वो सारी सभ्यता की पहचान हुआ करती थी उस समाज में। और हम उसी व्यक्ति को सभ्य कहते थे जो उनके निर्धारित मानकों के अनुसार या उनके द्वारा बनाए गए मानकों के अनुसार ही व्यवहार या आचरण करते थे। ये तो हुई सभ्यता की बात। संस्कृति की जब बात आती है तो संस्कृति का, संस्कृत का ये शब्द है और इसका अर्थ होता है परिष्करण, अर्थात सफाई करना, साफ करना। आप जानते हैं कि प्रकृति ने जब मनुष्य को जन्म दिया तो मनुष्य को बुद्धि अर्थात बौद्धिक क्षमता और सौंदर्य के प्रति आकर्षण, ये दो चीजें उसने मनुष्य में अवश्य दी। और इसीलिए जब मनुष्य अपने जीवन में, अपने भविष्य के लिए किसी प्रकार की कल्पना करता है, किसी अच्छे जीवन की परिकल्पना करता है, तो अपने बुद्धि और अपने सौंदर्य बोध का वो जरूर प्रयोग करता है और कुछ ऐसे संकल्पों की रचना करता है, ऐसे गुणों की परिकल्पना करता है, ऐसे मूल्यों की परिकल्पना करता है जिससे कि एक अच्छे जीवन की पृष्ठभूमि को बनाया जा सके। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि हम जब समाज में अपना स्वयं परिष्करण करने के लिए, अपने सामाजिक जीवन का परिष्करण करने के लिए एक मूल्य व्यूह की रचना करते हैं, संस्कार या मूल्य या गुणों की रचना करते हैं। और ये बहुत इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें हर समाज का एक अपना दृष्टिकोण होता है। हर समाज एक अच्छे जीवन की जो परिकल्पना करता है वो भिन्न हो सकती है और इसीलिए कोई सार्वभौमिक ऐसे मूल्य नहीं है जिनको हम कह सकें कि वो सार्वभौमिक सांस्कृतिक मूल्य हों या सार्वभौमिक सभ्यता के मूल्य हों। हर समाज का अपना सभ्यता और संस्कृति का एक पैमाना होता है और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सभ्यता और संस्कृति ये वास्तव में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये कटे हुए नहीं है। इसको हम एक सिक्के के दो पहलू कह सकते हैं। लेकिन सभ्यता के बारे में जो भाव है कि ये एक बाह्य तत्व है और भौतिकता से संबंधित है, बहुत सारी जो भौतिक चीजें हैं उससे ये जुड़ा हुआ है सभ्यता का शब्द बोध। जब हम संस्कृति शब्द का प्रयोग करते हैं तो संस्कृति हमारे आंतरिक और आध्यात्मिक गुण है, अर्थात हमारे अंदर का गुण है। ये बाह्य रूप में, विभिन्न रूप में प्रकट हो सकता है लेकिन ये गुण इसका आंतरिक होता है। इसकी एक बहुत सुंदर तुलना हम एक सुंदर पुष्प और उसकी सुगंध से कर सकते हैं। जैसे कि एक पुष्प और सुगंध इनसेपरेबल है, उनको अलग नहीं किया जा सकता। जब तक पुष्प है तब तक उसमें सुगंध है, जब तक सुगंध है तभी तक वो पुष्प है। अगर इन दोनों को आप अलग करने का प्रयास करेंगे तो पुष्प मृत प्राय हो जाएगा, पुष्प आर्टिफिशियल हो जाएगा या पुष्प नष्ट हो जाएगा। तो जिस प्रकार से पुष्प को हम
सभ्यता कह सकते हैं। अर्थात सभ्यता में आप देख रहे हैं कि पुष्प की बनावट है, पुष्प का कलर स्कीम है, पुष्प में तरह तरह से जो सौंदर्य बोध है वो हम सभ्यता कह सकते हैं। लेकिन वास्तव में वो पुष्प हमारे लिए बिल्कुल बेकार हो जाएगा अगर उसमें सुगंध नहीं रहेगी। पुष्प अपने सौंदर्य से हमें आकर्षित करता है, लेकिन उसका जो आंतरिक गुण है, जो उसकी सुगंध है, वो उसकी जान है। इसी प्रकार से इसकी तुलना शरीर और आत्मा से भी हम कर सकते हैं कि जिस प्रकार से हमारा शरीर है और उसमें सौंदर्य, एक शरीर में सौंदर्य बोध होता है, शरीर देख के आपको अच्छा लगता है, अपने माता पिता गुरुजन भाई बहन समाज में तमाम लोगों से आपको बहुत प्यार होता है, उनसे अच्छा लगता है बातचीत करके मिलके, तो एक उसमें सौंदर्य बोध होता है। लेकिन उसी के साथ साथ यदि उसमें से आत्म तत्व को निकाल दिया जाए तो आप उन्हीं लोगों को कहते हैं कि भाई इनको शमशान ले जाके इनको वहां पे दफन कर देना चाहिए या जला देना चाहिए, इनका दाह संस्कार कर देना चाहिए। वही शरीर जो हमको बहुत प्यारा था वही शरीर ले जाके हम उसको उसका क्रीमेशन कर देते हैं, दाह संस्कार कर देते हैं। लिहाजा इसका मतलब ये हुआ कि शरीर का महत्व ही तभी तक था जब तक उसके अंदर आत्मा थी। इसी प्रकार से किसी भी सभ्यता, चाहे वो कितनी भी बड़ी सभ्यता हो, अगर उसमें संस्कृति नहीं है तो उस सभ्यता को हम एक मृत प्राय सभ्यता के रूप में जानेंगे। सभ्यता में प्राय ये चीज आती है कि भाई इसमें आता क्या क्या है। तो इसमें जैसा कि हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें रहन सहन, खान पान, पहनावा, भाषा, व्यवहार, ये तमाम चीजें आती हैं। लेकिन जो संस्कृति तत्व है, इस संस्कृति तत्व में हमारे जीवन के प्रति जो मूल्य है, हमारा जीवन जीने का जो सिद्धांत है, हर व्यक्ति कुछ सिद्धांतों के साथ जीवन को जीता है। जैसे महादेव वर्मा ने ही कहा था कि हम सिद्धांतों की बहुत भारी गठरी को लेकर समाज में उतरते हैं, लेकिन अगर उसमें से कुछ भी मूल्यों को की एक भारी गठरी हम समाज में लेकर उतरते हैं, लेकिन उसमें से कुछ मूल्यों को भी अगर लेके हम जी सके तो हमारा जीवन सार्थक हो जाता है। तो आप मूल्यों के साथ जीवन जीकर देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि वो मूल्य ही हैं जो आपको वास्तव में एक मनुष्य बनाते हैं और जो एक आपको अच्छा जीवन जीने के योग्य बनाते हैं। कोई भी समाज सभ्यता में आगे हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि वो संस्कृति में बहुत पीछे हो। ऐसा संभव है कि जैसे मान लीजिए कि वेस्टर्न वर्ल्ड का जो पैमाइश है कि भाई उसमें वहां के जो ड्रेस मैनर्स हैं, वहां के जो रहन सहन का स्टाइल है, हो सकता है कि हमारे भारतीय समाज में उस प्रकार का रहन सहन, उस प्रकार की ड्रेस, उस प्रकार के चीजें न दिखाई दें, लेकिन हमारे ग्रामीण समाज में जिस प्रकार से, या हमारे शहरी समाज में भी जिस प्रकार से लोगों में आत्मीयता होती है, जिस प्रकार से परस्पर प्रेम भाव होता है, जिस प्रकार से हमें अपने यहाँ आतिथ्य सत्कार में सुख मिलता है, जिस प्रकार से दूसरों के लिए कुछ करने में हम अच्छा महसूस करते हैं, ये सब हमारे सांस्कृतिक तत्व हैं। ये चाहे हम किसी भी प्रकार का कपड़ा पहने, चाहे हम कोई भी बोली बोलें, चाहे हम कोई भी भाषा बोलें, हमसे ये नहीं कह सकता कि आप साहब जो है आप में संस्कृति नहीं है। हो सकता है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में प्राय आपने देखा होगा कि बहुत ही साधारण सा दिखने वाली व्यक्ति या साधारण सी दिखने वाली बालिका या महिला इतना सुंदर कला चित्र बनाते हैं कि दांतों तले उंगली दबा लेता है पूरा विश्व, पूरे विश्व में वो कलाएं विख्यात हैं और मानी जाती हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि बहुत सारे जो विद्वान हुए हैं उन्होंने भी इसको बिल्कुल इसी प्रकार की बातें कही हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तो अपने अशोक के फूल में, जो भारतीय संस्कृति की देन उनका निबंध है, उसमें ये साफ लिखा हुआ है कि यदि मनुष्य से संस्कृति ही छीन ली जाए तो उसके पास कुछ भी शेष नहीं रहता, वो नर होते हुए वानर हो जाता है। तो इस प्रकार से बेसिक चीज ये है कि इन दोनों में अंतर, आइए देखते हैं कि इन दोनों में अंतर क्या है, ताकि इनका अंतर हमें, समानता तो है कि दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं, शरीर आत्मा है, फूल और सुगंध जैसा अंतर संबंध है, लेकिन इनमें फिर अंतर क्या है, जरा इसको साफ साफ समझने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। देखिए अंतर में मूल रूप से हमें ये देखना है कि जो सभ्यता की बात की जाती है, ये सभ्यता वास्तव में आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक सिद्धियों से संबंध रखती है, अर्थात इसका एक भौतिक ट्रैजेक्टरी है, इसका एक भौतिक परिवेश है, उसमें इसको समझा जा सकता है। जबकि संस्कृति जो है आध्यात्मिक, बौद्धिक और मानसिक सिद्धियों से संबंध रखता है, और इसलिए ये एक आंतरिक गुण हमारा होता है। पहला अंतर तो मूलभूत अंतर हमको ये समझना चाहिए। दूसरा हमें अंतर ये भी समझना चाहिए कि इन दोनों की जो विकास प्रक्रियाएं हैं वो अलग अलग धाराओं पे चलती हैं, लेकिन है समानांतर।
अर्थात आप ऐसा नहीं कह सकते कि कोई सभ्यता तो विकसित हो रही हो और उसमें संस्कृति विकसित ना हो, या कोई संस्कृति तो विकसित हो रही हो और उसमें सभ्यता विकसित ना हो। ऐसा नहीं हो सकता। दोनों की विकास प्रक्रिया एक त्वरित गति से नहीं चलती है उतनी ढंग से, लेकिन चलती रहती है, वो प्रक्रिया समानांतर है। हो सकता है कि जो सभ्यता की प्रक्रिया हो वो तेज हो और जो संस्कृति की प्रक्रिया हो वो धीमी हो, क्योंकि जो हमारे मूल्य हैं, हमारे विचार हैं, हमारा भाव है, वो हमारे को बनाने में वक्त लगता है। लेकिन आप एक अच्छा मकान बना के खड़ा कर सकते हैं कुछ ही समय में, एक अच्छा कपड़ा सिल के आप दर्जी आपको दे सकता है, तुरंत आप पहन सकते हैं, या आप जाके कहीं से खरीद के पहन सकते हैं। लेकिन वास्तव में किसी के अंदर किसी भाव को आरोपित करना, किसी जीवन को एक अच्छे भाव से, एक अच्छे विचार से, एक अच्छे मूल्य से जीना, इसके लिए वक्त लगता है। जब हमारी खुद समझ में आता है कि नहीं, छोटी मोटी चीजों पर ध्यान नहीं देना चाहिए और अच्छी चीजों पर ध्यान देना चाहिए, बड़ी चीजों पर ध्यान देना चाहिए, तब हमको लगता है कि हाँ, वास्तव में हम जिस सभ्यता के भी पायदान पे खड़े हों, लेकिन हमारी संस्कृति की थाती बहुत मजबूत है। और इसलिए जो मानव शरीर की जो आवश्यकताएं हैं वो सभ्यता उसके लिए बनाई जाती है कि हमारे शरीर की आवश्यकताओं को पूरा कर सके, लेकिन हमारे मानव मन की जो आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करने के लिए तो हमें एक प्रकार से सभ्यता की नहीं, संस्कृति की आवश्यकता पड़ती है। तो वाह्य जगत पर विजय सभ्यता का प्रतीक है और आंतरिक जगत पर विजय हमारी संस्कृति का प्रतीक है। इन दोनों में बेसिकली कोई मूलभूत अंतर नहीं है, दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं और दोनों एक साथ साथ चलते हैं। हमें दोनों को संतुष्ट करना होता है। और मैं समझता हूं कि जब, जैसा कि विद्वानों ने कहा ही है और खासतौर से हजारी प्रसाद निवेदी का नाम बार बार आता है उसमें, कि जो हम हैं वो हमारी संस्कृति है, लेकिन जिसका हम उपभोग करते हैं वो हमारी सभ्यता है। तो जिस प्रकार से सुंदर वस्त्र पहन के और इत्र लगा के या अच्छे भवन में रहने के बाद भी कोई व्यक्ति अपने को सभ्य कह सकता है, लेकिन हो सकता है कि वो सुसंस्कारित नहीं हो। तो ये चीज बहुत हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम बाह्य रूप में जैसा दिखते हैं वो हम सभ्यता के एक प्रकार से अनुगमन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन असली हमारी पहचान हमारी संस्कृति से होती है, जो कि हमारे उन मूल्यों को बताती है जो कि हमारे जीवन की आधारशिला होते हैं। थैंक यू वेरी मच।